मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे आपके साथ। मैं हूं अंशिका पाठक और बिग ब्रेकिंग इस वक्त की। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दोनों कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में वो शामिल होंगे। प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। तो दो पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों नेता पूर्व कांग्रेस के सांसद हैं और बड़ी बात तो यह है कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में सुखबुगाहट काफी तेज है। राहुल गांधी जोड़ने के लिए निकले हैं, कांग्रेस पार्टी का टूटन जा रही है। आईडी नीचे करो यार, कैमरा जी प्लीज यार साइलेंट, आईडी नीचे करो यार। ये आईडी ये वाली किसकी है? ऐसा है, राहुल जी अभी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई न्याय कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और भी कांटेक्ट में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आना चाहते हैं, काफी कुछ बहुत सारे इंदौर से भी कुछ लोग नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। अभी आपको 11 बजे पता लग जाएगा, एक घंटे बाद, पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा। शिवम प्रताप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवम, दो नेता आज बीजेपी में जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस के लिए इन दोनों नेताओं का बीजेपी में ज्वाइन होना किसी झटके से कम नहीं होगा। क्या जानकारी आपके पास दिल्ली में, क्या हलचल? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। वो केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ साथ कई मंत्रालयों को संभाल चुके हैं और लगातार चार बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 1972 में उनका कांग्रेस से सफर शुरू हुआ था और अब तक लगातार कई बड़े पद पर रहे और उनको कांग्रेस नेतृत्व का करीबी माना जाता था। लेकिन एन चुनाव से पहले सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे। जो जो कहेंगे साथ ही कहेंगे। चल रही दूसरी तरफ सर, लगातार कांग्रेस के नेता जोड़ा यात्रा है और कब टूट रहे हैं? देखो, मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाधार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावना है? धन्यवाद, बाकी देखा जाएगा। अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। आप पचौरी के लिए कह रहे थे कि वो ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, दूसरा चेहरा कौन सा हो सकता है? और पचौरी का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए इतने बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि पचौरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में पार्टी के नीत निर्याता रहे हैं। इसके साथ साथ हाथ से जो सांसद है गजेंद्र सिंह राजू भी जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को उस सिलसिले में देखा जा रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का आरोप है कि नए लोगों को बड़े बड़े पदों पर आसीन किया गया और पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि वो बीते कई दिनों से
नेतृत्व और कांग्रेस की जो एमपी यूनिट है उससे नाराज थे। दोनों नेताओं ने लगातार कई बीते कई दिनों से, आपको याद होगा गजेंद्र सिंह राजू ने जब कमलनाथ ने ऐलान किया था वो कांग्रेस छोड़ेंगे, उस समय भी अटकलें थी कि गजेंद्र सिंह राजू छोड़ सकते हैं, लेकिन आज सुरेश पचौरी के साथ बीजेपी में दोनों का जाना ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपना अभियान चला रही है, जिसमें तमाम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उनसे लगातार बीजेपी संपर्क कर रही है, ताकि एक ऐसा मैसेज दिया जाए लोकसभा चुनाव में कि सामने की जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो टक्कर में नहीं है, उनके बड़े बड़े नेता हार के डर से, आने वाले चुनावों के परिणामों के डर से, तो ये कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं हो सकता है। शिवम, आप सही कह रहे हैं, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दो बड़े चेहरे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि अभी शिवराज सिंह चौहान को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतजार करिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका ये हो सकता है, इंडिकेट उन्होंने कर दिया। और शिवम भी जैसा कि बता रहे हैं, पचौरी साहब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो दो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सुरेश पचौरी जो मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम कर चुके हैं, 2008 से 2011 तक वो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके अलावा 3 बार वो राज्यसभा सांसद रहे और 2 बार वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश के लिए सुरेश पचौरी को माना जाता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वह गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का, राजू खेड़ी भी कई बार सांसद धार से रहे हैं, आदिवासी इलाका है वहां से वो आते हैं, मालवा निवाड़ से, एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जब यहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए और बहुत सारी चीजें होने हैं, और उन्होंने कहा कि इंदौर से भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के नेता है वो तमाम ये कह रहे हैं कि अब पार्टी आला कमान से नाराज होकर जो नेता है वो अब कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये बताता है किस तरीके से लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आए थे। उम्मीद थी कि प्रदेश कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि लगातार जो बड़े दिग्गज है, शैलेंद्र, एक तो सुरेश पचौरी, दूसरा कौन के लिहाज से? देखिए दूसरे नाम की मैं बता रहा हूँ कि गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी धार से सांसद रहे हैं, उनका नाम जो है वो प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है कि वो शामिल होने वाले, 9:15 के आसपास का जो समय है उसके आसपास दोनों ही नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर पार्टी में वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ देर बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो प्रयास लगाए जा रहे थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी क्या, कितने बजे ज्वाइन करेंगे पार्टी, कुछ जानकारी इसको लेकर? शैलेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? जी, सवाल दो ये सवाल। शैलेंद्र, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्या, और कितने बजे लगभग बताया जा रहा है जब ये पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद 9:15 का समय है वो बीजेपी की तरफ से मीडिया को आमंत्रित किया गया था कि 9:15 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, और उसी दौरान जो है वो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि न केवल ये दो नेता बल्कि इंदौर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, तो अब ये केवल दो नाम नहीं है बल्कि ये सिलसिला और अधिक बढ़ सकता है, जो नेताओं की संख्या है वो और अधिक बढ़ सकती है, न केवल सामान्य करता बल्कि बड़े नेता जो है वो इंदौर इलाके से भी शामिल हो सकते हैं। तो उनमें बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व विधायक जो है वो भी शामिल हैं जो यहां पर पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद और पार्टी का दामन थामेंगे, तो ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद झटका भरा कांग्रेस के लिए है कि न केवल दो बड़े नेता जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ और अन्य नेताओं का सामने नाम आ रहा है जो विधायक भी रहे हैं, जो पदाधिकारी भी रहे हैं, ऐसे लोग भी अब से कुछ देर बाद जो है वो बीजेपी पहुंचेंगे और यहां पर वह बीजेपी का दामन जिस तरीके से सबसे कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सवाल, ठीक है शैलेंद्र आपके पास आऊंगे, शिवम एक सवाल ये कि क्या राजधानी में इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई केंद्र नेतृत्व से? निश्चित तौर पर लगातार बीते कई दिनों से ये दोनों नेता संपर्क में थे, आपको याद होगा जब कमलनाथ प्रकरण हुआ उस दौरान भी गजेंद्र सिंह राजू के बीजेपी में जाने की अटकलें थी, लेकिन बाद में फिर कमलनाथ मान गए, उसके साथ साथ उस समय इस ज्वाइनिंग पर भी डिले हो गया, लेकिन
ये सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजू की निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत हो रही थी। बीते कई दिनों से इस बात का अंदेशा था कि कभी भी स्टेप उठाया जा सकता है। बीते दो से तीन महीनों की बात करें तो कांग्रेस के पूरे देश से कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी और खास बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस स्टेट यूनिट को इसकी बाकायदा जानकारी होती है कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर से जो बातचीत होती है, डैमेज कंट्रोल होता है, नेताओं को मान मनोबल की जो प्रयास होता है वो कांग्रेस की तरफ से उस लेवल पर नहीं होते हैं जो आम हमने तमाम पार्टियों में देखी है। यही एक बात है कि उनके नेता नाराज रहते हैं और नाराजगी रहते रहते ही वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर देते हैं, उसके बावजूद भी कोई बड़ा नेता उनसे संपर्क नहीं करता है। यही एक वजह है कि बीजेपी ऐसे मामलों में फायदा उठाती है और उनके तमाम नेता सीधे तौर पर विपक्ष के नेता संपर्क करते हैं और उसे अपने खेमे में लाने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। इसे सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजू की ज्वाइनिंग में न सिर्फ स्टेट यूनिट बीजेपी का बड़ा हाथ है बल्कि सेंट्रल से निश्चित तौर पर कई बड़े नेताओं से उनकी बीजेपी में बात हुई है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है शिवम, नजर बनाए रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बीजेपी में शामिल होने की बात, हालांकि शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा पहुंच चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय पहुंच चुके हैं काम करने वाले, और आपने कुछ बयान भी उनके सुने होंगे। उन्होंने कहा कि अब इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच कि आगे होने क्या वाला है, कांग्रेस को झटका लगेगा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, और साथ ही जो जानकारियां मिल रही थी कि दो बड़े चेहरे, दो पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल होंगे, आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उस पर एक एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे लगातार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि समय हो गया है। वीडी शर्मा को आप देख रहे हैं, वीडी शर्मा भी पहुंच चुके हैं, वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा यहां पर बीजेपी में शामिल किया जाएगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र आपको आवाज आ रही है, शैलेंद्र कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरेश पचौरी यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ एक और नाम मैं बता दूं जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इंदौर से भी कुछ नेता ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी यहां पर पहुंचे हुए जो विधायक रहे हैं इंदौर नंबर एक से, जो उन्होंने हाल ही में जो कैलाश विजयवर्गीय उनके सामने चुनाव लड़ा था उसके पहले वो वहां से विधायक रहे थे, तो वो भी अब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ यहां पहुंचे। तो ये माना जा सकता है कि जिस बात का दावा कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे कि न केवल ये दो बड़े नाम बल्कि इसके अलावा कई और दिग्गज जो है वो इंदौर इलाके से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और उन नामों को लेकर अब धीरे धीरे खुलासा होना शुरू हो गया क्योंकि ये सारे लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो लोग नेता हैं वो अब एक एक करके यहां पहुंचने लगे। सुरेश पचौरी खुद जब यहां पहुंचे तो उन्होंने अभी फिलहाल बात करने से इनकार किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ देर बाद बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से सबको बताया जाएगा कौन कौन। और शैलेंद्र, धार सीट से अभी बीजेपी ने नाम का ऐलान नहीं किया है, बीजेपी में शामिल होने के बाद आगे का अगर हम सोचें तो क्या लगता है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन सीटों पर अभी होल्ड किया गया उसमें धार एक सीट है, और धार से जिस तरीके से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी आज ज्वाइन करने वाले तो संभावनाएं काफी हैं कि हो सकता है कि पार्टी एक दो दिन में उनके नाम का ऐलान भी कर दे। और जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि छतर सिंह दरबार की जगह एक नए प्रत्याशी को मैदान में मौका दिया सकता है, तमाम जो नाम है वो सामने आ रहे थे, और ऐसे में जब गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे तो उम्मीद यही है, हो सकता है कि उनको आज यहां पर जो है उनको आने वाले समय में टिकट दिलाई जाए प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है तमाम जो नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे हम इधर जाना चाहेंगे कि किस तरह से वो देखिए ज्वाइनिंग अभियान जो है वो शुरू हो चुका है, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में इस तरीके से देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर गमछा पहनाने का कर रहे हैं और उनका स्वागत जो है वो बीजेपी दफ्तर में किया जा रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी लगातार प्लानिंग के साथ काम कर रही थी, तमाम जो नेता हैं उनके उनके साथ संपर्क में थी और अब धीरे धीरे करके सभी नेता यहाँ पहुंचने लगे हैं और उनका उनको बीजेपी ज्वाइन कराने का काम जो है वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इसके साथ ही ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हंसते हुए चेहरे जो है वो सभी नेताओं के साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सुरेश पचौरी जो पीसीसी चीफ रहे हैं लंबे समय तक, इसके अलावा तीन बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और वो भी यहाँ पर देखिए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो दिग्गज नेताओं के साथ वो यहाँ पर। आप